नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में चुनावी महासंग्राम है और डुगडुगी बच चुकी है। ऐसे में तीन फेज में बिहार में चुनाव होने हैं। काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान को संपन्न कराने के लिए राजधानी पटना के होटल मौर्या में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे इस होटल में एक बैठक चल रही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बैठक है और इस बैठक के साथ ही हम तस्वीरों के जरिए आकाश को कहेंगे कि वो दिखाएं कि बिहार जिले के तमाम एसपी जो हैं इस वक्त पटना में मौजूद हैं और निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर एक अहम बैठक है और तमाम प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। तो ये बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो 28 नवंबर से जो पहली वोटिंग होगी उसके बाद 2 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होगा और उसके बाद 8 तारीख को और तब 10 तारीख को जो मतगणना पूरी होगी। इन तमाम प्रक्रियाओं को, इन तमाम लोकतंत्र के महापर्व को बखूबी अमली जामा पहनाने के लिए सुरक्षा के साथ कड़ी व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न होगा। तो ऐसे में बिहार पुलिस का एक अहम रोल है और यही वजह है कि 38 बल्कि यूँ कहें कि पुलिस जिला को मिलाकर कुल 40 जिले हैं और 40 जिला के एसपी इस वक्त राजधानी पटना पहुँचे हैं। तो ये एक अहम मीटिंग है और इस अहम मीटिंग के साथ ये तय हो जाएगा कि राजधानी पटना में के आज की इस मीटिंग से ये फाइनल हो जाएगा कि जो इलेक्शन होगा वो कितना तमाम सुरक्षा के बीच होगा, मतदाताओं को कोरोना संकट के साथ साथ तमाम जो सुविधाएं हैं जो मुहैया कराई जाएगी। और कोरोना के संकट के बीच में सुरक्षा एक बहुत अहम मसला है। इस अहम मसले के बीच जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद होगी और इसको लेकर जो बिहार के अंदर की जो प्रक्रियाएं हैं वो भी पूरी होगी। तो ये कह सकते हैं कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आज की ये एक अहम बैठक है और इस बैठक के साथ ही ये तय होगा कि बिहार में तीन फेज में होने वाले चुनाव की रूपरेखा क्या होगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बिहार में मतदान को लेकर जो चुनावी डुगडुगी बच चुकी है उसके बाद तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक अहम मीटिंग है जिसमें बिहार के सभी पुलिस मुख्यालय से पुलिस जिले के कप्तान इस वक्त राजधानी पटना में मौजूद हैं और एक अहम मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग के साथ ही ये तय हो जाएगा कि किस तरीके से बिहार में निष्पक्ष रूप से चुनाव होने हैं। सहयोगी आकाश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।